प्रांतों में अकेले अपने दम पे प्रत्याशी खड़ा करने का है। हम जीतने के लिए नहीं, हम अपने वोटरों को एक साथ सजो के रखने के लिए चुनाव लड़ेंगे। उस लड़ाई में 24 तारीख के बाद और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पर। अरुण राजभर जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय महासचिव हैं SBSP के। बहुत बहुत स्वागत आपका अरुण जी, क्या कहेंगे इस कदम के लिए ओम प्रकाश राजभर ने जो उठाया है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र बना रखा है, जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हमको सौंप दिया गया है माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को जी। उन्होंने फैसला किया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण दे करके, जब पिछड़ा वर्ग कल्याण के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता अपने कलम से, तो फिर इस विभाग को मेरे पास रहने से कोई फायदा नहीं है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग का गठन किया और आयोग के गठन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये हमको सूचना आया कि आप भी अपने तरफ से जो भी सुझाव देना चाहते हैं, जितने सदस्यों का नाम देना चाहते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य पद के लिए, हमने 60 लोगों का आवेदन हमारे पास आया। 60 लोगों में 28 लोगों की सूची हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाया। ये है कि मंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं, विभाग छोड़ने से क्या होगा, फायदा क्या है इससे? देखिए जो जिस विभाग में कोई काम नहीं कर सकता वो विभाग को छोड़ना बेहतर होगा। जिस विभाग को मैं बेहतर की तरफ बढ़ा रहा हूँ, दिव्यांग जल सशक्ति, उसको छोड़कर क्या करूंगा? क्योंकि उसमें बहुत सारे हमने काम किया है, पिछड़ा वर्ग कल्याण में मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। पद पर रहते हुए फिर क्या कर लेंगे, जब आपको इतनी निराशा है तो फिर मंत्री पद क्यों नहीं छोड़ देते? मंत्री पद छोड़ेंगे ना, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ये अल्टीमेटम दिया है 24 फरवरी को तो छोड़ देंगे, ये तो तय है। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग कल्याण में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 6 महीने पहले अक्टूबर में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में पड़ी है, अगर इसको लागू नहीं कर रहे हैं तो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री क्यों बनाए हैं? आपने समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो खूब कहते थे कि यादववाद हो रहा है इस सरकार में, आज सरकार बन गई है आपकी, क्या अति पिछड़ों अति दलितों को अधिकार के देने के लिए आपने जो समिति बनाया? अभी हम गठबंधन में हैं और गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो 24 फरवरी के बाद रहेंगे, नहीं चाहेगी तो नहीं रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो कयास क्या है, जो दूसरा गठबंधन है उसमें मिल जाएंगे जाके? समय समय बताएगा कि हम कहां जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण राजभर हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद इनका ये कहना। ओम प्रकाश राजभर है जो भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर है, अति पिछड़ों के सवाल पे लड़ रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, और हम लोग अति पिछड़ों का काम हम लोग करेंगे, इसको अगर तेजी से वो प्रचार कर देंगे या नहीं किए तो उसका लाभ कुछ न कुछ वो भी उठा सकते हैं। प्रियंका जी से कोई वार्ता हुई आपकी? हमारी वार्ता तो प्रियंका जी से नहीं है, लेकिन राहुल जी से है, सोनिया जी से है, मुलायम जी से है, अखिलेश जी से, मायावती जी से, लालू जी से, और उद्धव ठाकरे जी से, शरद पवार से, तेजस्वी यादव जी से, केजरीवाल से, बात तो सबसे करते हैं। तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना है, देखिए सीधा सीधा इन्होंने कहा है, बातचीत इनकी सबसे है और सबका नाम लिया है। वर्ग आयोग का गठन हुआ, गठन में हमने सूची भेजी जिन लोगों ने आवेदन किया था हमारे यहाँ और विभाग में जी, उसमें से एक भी मेंबर तक नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने, अपने मन से 27 लोगों की नियुक्ति कर दिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उनको सौंप रहा हूँ कि आप अपने पास रखो और पिछड़ों को जवाब आप दो, हमको मत गुमराह करो। तो क्या आप इस्तीफा लिखे? बिल्कुल एकदम तैयार है देने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह जुड़ गए हमारे साथ। वीरेंद्र जी देखिए, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, विभाग छोड़ दिया है, किस तरह से इस पूरे फैसले को देख रहे हैं आप? देखिए ये पहला मामला है योगी सरकार में करीब 2 साल के भीतर जब किसी मंत्री ने इस तरह के तेवर दिखाए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मुख्यमंत्री को वापस कर दिया है और उनके पास दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग बचा है। उन्होंने कुछ दिन पहले पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष के लिए महेंद्र राजभर का नाम भेजा था कि उनको आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से महेंद्र राजभर का नाम काट दिया गया और फागु चौहान जो इस समय बीजेपी के विधायक हैं उनको मऊ के उनको अध्यक्ष बना दिया गया। इससे मंत्री नाराज हैं और आज उन्होंने अपना विभाग वापस कर दिया है। अभी 2 दिन पहले बीजेपी के जो सह प्रभारी हैं
गोवर्धन झड़ापिया और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मनाने भी गए थे मंत्रियों प्रकाश राजभर को जी। तो उस समय भी उन्होंने तमाम बातें रखी थी, लेकिन आज का जो फैसला है ये बहुत बड़ा फैसला है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सरकार में हलचल मचाने वाला ये फैसला है जी, बिल्कुल। और इससे निश्चित ही सरकार में अब और सारे लोग ऊपर उठेंगे और वो लोग अपनी बात करेंगे। देखिए ये किसी मंत्री द्वारा ये दो साल में योगी सरकार में पहला ऐसा मामला है जी। और वीरेंद्र जी 13 राज्यों में अपने दम पर प्रत्याशी उतारेंगे ये भी कहा, साथ ही साथ कई नेताओं के जो विपक्ष में है उनका भी नाम लिया कि हम इनसे जुड़े हुए हैं, इससे भी तो एक संदेश जा रहा है वीरेंद्र जी। देखिए अपने सहयोगियों को समेट कर रखने की जिम्मेदारी बीजेपी की है क्योंकि वो बड़ी पार्टी है। अगर राजभर नाराज होकर छिटकते हैं मायावती और अखिलेश, वीरेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे हरीश जी, अब राजभर जी ने तो सीधा सीधा दिखा दिया है कि अब उनको क्या करना है, एक तरह से विद्रोह, क्या कहेंगे? देखिए राजभर जी इस सरकार के सम्मानित मंत्री हैं, लेकिन जो गठबंधन धर्म होता है उसका राजभर जी ने कभी पालन नहीं किया। जिस तरह से सड़क पर और मीडिया में खुल करके जिस तरह से सरकार की आलोचना करते हैं, अगर किसी भी कैबिनेट के दायित्व को निर्वहन करने वाले व्यक्ति की संवैधानिक जो मर्यादा है उसका भी अनुपालन नहीं है, और अगर गठबंधन धर्म की मर्यादा भी कहा जाए तो इसका भी अनुपालन नहीं है जी। और हरीश जी देखिए लगातार पिछले और उनके प्रवक्ता जिस तरह से चैनलों पे बैठ करके सरकार की आलोचनाएं करते हैं जी, बिल्कुल आलोचना तो करने का हक है, लेकिन हाँ ये अलग बात, आलोचना अपने बड़ी बात हो जाती है हरीश जी। जब आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं, हरीश जी अरुण राजभर जी से बात हो रही थी, उनका ये सीधा सीधा कहना है 24 तारीख तक इंतजार करेंगे नहीं तो वो अपना रास्ता देखेंगे। और ओपी राजभर ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो 13 राज्यों में अपने प्रत्याशी भी उतारने जा रहे हैं। नहीं अच्छी बात है, देखिए सभी राजनीतिक दल इस बात के लिए स्वतंत्र है और अपने निर्णय लेने के लिए, लेकिन जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर जी की बात है, उन्होंने गठबंधन धर्म का ये जो उनके क्रियाकलाप है वो गठबंधन धर्म के विपरीत है, उसकी मर्यादाओं के मतलब आपने उनका पूरा साथ दिया है गठबंधन में, वो साथ नहीं दे रही है कहना चाह रहे हैं? नहीं बिल्कुल, अगर आदमी हमारे साथ कोई गठबंधन में है, कैबिनेट का सम्मानित सदस्य है और सड़क पे अपनी बात कहता है तो ये गठबंधन धर्म की मर्यादा के विपरीत है और संवैधानिक जो मर्यादा है उसके विपरीत। तो कारण क्या है कि इस तरह से मुखर हो गए और हमेशा से सरकार के खिलाफ वही बता सकते हैं, वो बार बार कुछ न कुछ बातें कहते रहते हैं जी, लेकिन कभी भी। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश चंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता बीजेपी के। तो देखिए जिस प्रकार से ये तमाम बातें हुई हैं,